सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील गानों पर डांस। पैक्स गोदाम में किया गया आयोजन, शराब की बोतल के साथ अध्यक्ष ने भी लगाए ठुमके। सुपौल में धान अधिप्राप्ति के शुभारंभ के मौके पर एक पैक्स गोदाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील गाने पर नर्तकियों से ठुमके लगवाए गए। इस मौके पर पैक्स अध्यक्ष हाथ में शराब की बोतल लिए खुद नर्तकियों के साथ ठुमके लगाने लगे। आपको बताते चले, मामले में पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच में जुटी है। मामला बुधवार का है और यह आपको बता दें, जिले के किशनपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 के नमनमा पैक्स गोदाम का मामला है। जिले में समारोह पूर्वक बुधवार से सभी पैक्स में धान खरीद की गई है। डीएम कौशल कुमार ने किशनपुर प्रखंड के दूसरे पंचायत के सुखासन पैक्स में धान अधिप्राप्ति का शुभारंभ अपने हाथों से किया। राजपुर पंचायत में बुधवार को टीटीओ ने धान अधिप्राप्ति का शुभारंभ किया। देर शाम मनोरंजन के लिए पैक्स गोदाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके बाद बारवालाओं ने वहां मौजूद लोगों की पसंद के अश्लील गानों पर ठुमका लगाना शुरू कर दिया। यहां तक कि पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद असदुल्ला उर्फ डिस्को की मौजूदगी में पैक्स प्रबंधक राजकुमार मंडल और उसका पुत्र अरविंद कुमार के अलावा पैक्स सहायक मोहम्मद सलीम ने भी युवकों के साथ मिलकर बारवालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। सुपौल पुलिस अधीक्षक शशो यादव ने कहा है कि मीडिया कर्मियों से मामला संज्ञान में आया है और अगर मामला सही पाया गया तो इन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें चले, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील गानों पर डांस किया गया है। पैक्स गोदाम में किया गया आयोजन, शराब की बोतल के साथ अध्यक्ष ने जमकर ठुमके लगाए हैं। सुपौल में धान अधिप्राप्ति के शुभारंभ के मौके पर एक पैक्स गोदाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लील गाने पर नर्तकियों से ठुमके लगवाए गए। इस मौके पर पैक्स अध्यक्ष हाथ में शराब की बोतल लिए हुए नर्तकियों के साथ ठुमके लगाते नजर आए हैं। हालांकि आपको बता दें, डीएनडी न्यूज चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले में पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच में जुटी है। मामला बुधवार का है और यह वीडियो जिले के किशनपुर प्रखंड के राजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 का बताया जाता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।